हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 9 के इंग्लिश रीडर की पोएम नंबर टू विंड को पढ़ाऊंगा। पोएम टू है हमारी कौन सी? विंड, जिसका अर्थ क्या हो गया? हवा। इसका अर्थ क्या हो गया? हवा। और इसके जो पोएट है वो है सुब्रमणिया भारती, जो कि एक तमिल पोएट है, जो कि क्या है? तमिल पोएट है। और ये अपनी देशभक्ति के लिए आजादी के समय से जाने जाते हैं, देशभक्ति के लिए ये जाने जाते हैं। और ये तमिल पोएट है। कैसे पोएट है? तमिल पोएट है, जिनका जन्म 1882 और जिनकी डेथ हुई थी 1921, ठीक है। हम इस पोएट को स्टेंजा वाइज इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। आप लोग बड़े ध्यान से देखें, जो फर्स्ट स्टेंजा है इसमें, विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रीक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन, यू टॉर द पेजेस ऑफ द बुक्स, यू गॉट रेन अगेन, यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, फेयर क्रमलिंग हाउसेस, क्रमलिंग डूर्स, क्रमलिंग रेफरस, क्रमलिंग गुड, क्रमलिंग बॉडीज और क्रमलिंग लिप्स, क्रमलिंग हार्ट्स, द विंड गेट विनोज एंड क्रश देम ऑल, द विंड गॉट विनोज एंड क्रश देम ऑल। ठीक है, यानी इसमें जो कवि हैं वो हवा के बारे में बात करते हैं, कवि कहते हैं कि हवा धीरे धीरे चलो या धीरे से बहो, क्योंकि तुम जब तेज चलती हो तो जो खिड़कियां हैं वो कहीं ना कहीं क्या हो जाती हैं, खुल जाती हैं, या वो आवाज करने लगती हैं, और दूसरा, तुम पन्नों यानी पेजों को, जो किताब के पेज हैं उसको मत फाड़ो। देखो तुमने सेल्फ से किताबें नीचे गिरा दी हैं, और जो कुछ भी देखो तुमने सब इधर का उधर कर दिया है। यानी जब हवा चलती है तो उसके रास्ते में जो कुछ भी आता है वो उसको क्या कर देती है? टैस मैस कर देती है। आगे है, यू गॉट रेन अगेन, और जब इतना से आप जब इतने से हवा नहीं रुकती है तो क्या होता है? वो फिर से बारिश ले आती है, और जो हवा है वो कमजोर लोगों को सताने में उसे आनंद आता है, चाहे कमजोर व्यक्ति हो, चाहे कमजोर घर हो, चाहे कमजोर इमारत हो, चाहे चरमराती लकड़ी हो, यानी हर एक को हवा के द्वारा परेशान किया जाता है। या कह सकते हैं कि जो लोग कमजोर होते हैं, जो भी वस्तु कमजोर होती है तो हवा उसको तहस नहस कर देती है या अपने रास्ते से हटा देती है। हवा जो जिसके रास्ते में कोई भी कमजोर वस्तु आती है, चाहे वो पुरुष हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी लकड़ी हो, कोई भी इमारत हो, वो सफल आकर देती है, अपने रास्ते से हटा देती है या उसे तहस नहस कर देती है। यानी इस तरीके से जो कमजोर दिल वाले हैं, जो कमजोर दिल वाले होते हैं ना, उन्हें भी हवा क्या करती है? उनका भी हवा नुकसान कर देती है, उन्हें भी हवा रौन देती है। क्या कर देती है? हवा उन्हें रौन देती है। क्या कर देती है हवा? यानी जो कोई भी कमजोर वस्तु हवा के सामने आती है, हवा उसको तहस नहस करते हुए आगे निकल जाती है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, ही वुड नॉट डू व्हाट यू टेल हिम, सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली, प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी। यानी वो कहते हैं कि आप हवा से जो कहोगे वो कभी नहीं करेगी। यानी जो आप हवा से कहोगे, यानी हवा का देवता है, जो वायु का देवता है, आप उससे जो कहोगे वो ऐसा कभी नहीं करेगी, यानी वो आपकी बात को नहीं मानेगी। इसीलिए हमें और आपको अपने घरों को मजबूत बनाना चाहिए,
मजबूत बनाना चाहिए और अपनी जो दरवाजे हैं खिड़कियां हैं उनको मजबूती से बंद करना चाहिए, उनको मजबूती से बंद करना चाहिए और अपने शरीर को भी बलवान बनाना चाहिए, और अपने शरीर को भी क्या होना चाहिए, बलवान बनाना चाहिए, ताकि जब हम शक्तिशाली होंगे तो हवा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, तो हवा हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। आगे देखिए, मेक द हार्ट स्पीड फास्ट डू दिस एंड द विंड विल फ्रेंड विद अस, द विंड ब्लो आउट वीकनेस फायर, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश, हिज फ्रेंड इज गुड्स, वी प्रेज हिम एवरी डे। यानी आगे कवि ये कहते हैं कि अगर हमने अपने आप को मजबूत बना लिया तो जो हवा है वो हमारा साथ, जो हवा है वो हमारी मित्र बन जाएगी और वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। हालांकि उन्हें ये भी कहते हैं कि हवा आपको फैलाने में बहुत तेज होती है, हवा आपको फैलाने में बहुत तेज होती है, क्योंकि वो आसानी से उस जलती हुई चिंगारी को दूर दूर तक फैला देती है, दूर दूर तक फैला देती है। इसीलिए हमें प्रयास करना है कि हम अपने आप को, हमें अपने आप को इस तरीके से मजबूत बनाना है, हमें अपने आप को इस तरीके से मजबूत बनाना है कि हवा हमारी अच्छी दोस्त बन जाए, हवा हमारी क्या बन जाए, अच्छी दोस्त बन जाए और वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए, वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। और अंत में फिर से मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो पोएम है उसमें इस बात को कहा गया है कि हवा बहुत शक्तिशाली होती है और ये एक प्राकृतिक तत्व है, इसके रास्ते में जो भी कमजोर चीज आती है, इसके रास्ते में जो भी कमजोर चीज आती है वो उसको तहस-नहस कर देती है। तो कभी ये कहते हैं कि हमें हवा के सामने गिड़गिड़ाने से बेहतर है, उसके सामने अपनी समस्या रोने से बेहतर है कि हम अपने आप को मजबूत करें, अपने आप को मजबूत बनाएं, ताकि हवा हमारी दुश्मन नहीं, हवा हमारी क्या हो जाएगी, हवा हमारी मित्र बन जाएगी। इसलिए हम सभी को मजबूत होना चाहिए ताकि हवा जैसा जो प्राकृतिक तत्व है वो हमारा कुछ भी ना बिगाड़ सके बल्कि हमारा मित्र बन जाए। ओए।